दिल्ली जो देश की राजधानी है, दिल्ली जो इतिहास की निशानी है, उस दिल्ली की क्या है कहानी, सुनाएंगे दिल्ली की जुबानी, पांच साल दिल्ली का हाल, सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। आज हम मौजूद हैं मॉडल टाउन विधानसभा में। चलिए मौजूद जनता से जानते हैं कि इन पांच सालों में इनके क्षेत्र में कितना हुआ है विकास। सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं। विकास के नाम पे आती है, पानी आता नहीं है। तो मैं कहूँगा नाम मात्र को विकास हुआ है। विकास में कोई कमी नहीं है। जो भी काम जनता ने दिया, सैनिक की तरह उनके लिए खड़ा रहा हूं। वो अपने चमचों का ही काम कराते हैं और दूसरों का देखते नहीं है। मैडम अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। मैम यहाँ पे आए दिन तो सीवर भरे रहते हैं, सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं, रोड खंभों पे कोई भी लाइट नहीं है, बस यही विकास हुआ है यहाँ का। देख लो, तो अभी कभी आपने कंप्लेन की हुई चीज को लेकर? कई बार कंप्लेन की है। विधायक जी अभी आए थे, पीछे भी कह रहे थे कि आप अपने बिजली के बिल दे दो, वहाँ पे लाइट लगवा देते हैं अगले हफ्ते में। उसके बाद अभी तक उनका कोई नहीं पता। पानी आता नहीं है, पानी लेना पड़ता है, मोल पीना पड़ता है, सीवर लाइनें खुलती नहीं है, जाम रहती है, लाइटों पर खंभों पर लाइटें नहीं है, तारे झूलती रहती हैं, कोई काम नहीं हुआ। दिल्ली की जनता जो गा रही केजरीवाल केजरीवाल इस बार दोबारा से फिर केजरीवाल, वो क्या जी? मैडम गा रही केजरीवाल केजरीवाल है। आप चार बंदे खड़े कर लो, केजरीवाल जिंदाबाद केजरीवाल जिंदाबाद, उनसे पूछिए ना जो रह रहे हैं, जिनकी समस्या इतनी ज्यादा है। मॉडल टाउन विधानसभा के एक्स MLA कंवर सिंह जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं कि इन पांच सालों में इनके क्षेत्र में कितना हुआ विकास। विकास के नाम पे हंसी आती है। जहाँ आप खड़े हैं जी, वहाँ की गलियाँ जाके देखिए, वहाँ के लोगों से बात करके देखिए, आपको असलियत पता चल जाएगी। विकास नाम की चीज यहाँ नहीं है। विकास ऐसा है, जो हम वोट देंगे ना वो तो देंगे केजरीवाल को, और वो केजरीवाल के नाम पे देंगे, विधायक के नाम पे वोट नहीं देंगे। विधायक अभी देखे आपके एरिया में? विधायक दिखते हैं, पर विधायक चमचों से घिरे हुए हैं। वो अपने चमचों का ही काम कराते हैं और दूसरों का देखते नहीं है। पर वोट केजरीवाल को ही मिलना है, वोट केजरीवाल को ही देंगे। तो दिल्ली में बदलाव चाहते हैं या नहीं चाहते अपने क्षेत्र में? बदलाव चाहते हैं और वो केजरीवाल ही कर सकते हैं। मैडम अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। एक साल से नालियां खोद रखी है, गटरों खोद रखी है, वो हमने 40-40 कट्टा डाल के हमने भरी है, फिर भी अभी सड़क नहीं हुई है। कम से कम एक साल से परेशान है और नरक बह रहा है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं जोगीराम जैन जी, इनसे बात करेंगे कि इन पाँच सालों में इनके क्षेत्र में अभी तक कितना हुआ है विकास। चलिए बात करते हैं। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, बताएं कि इन पाँच सालों में आपके क्षेत्र में भी कितना विकास हुआ है। देखिए जहाँ तक दिल्ली सरकार का मैटर है जी, तो मैं कहूँगा नाम मात्र को विकास हुआ है, वो भी आखिर के 3-4 महीनों में, जब उनको ये दिखाई देने लगा कि अभी इलेक्शन सर पे आ गए हैं, तो भगदड़ में उन्होंने जो काम किया है वही इस समय विकास शुरू हुआ है। और विकास भी क्या है, ज़्यादातर रोड्स वगैरह वो उन्होंने बनवानी शुरू की है। मेरा कमलानगर वार्ड है और कमलानगर वार्ड में शक्तिनगर क्षेत्र है, एकदम से विदिन 15 डेज उन्होंने इस तरह से काम शुरू किया कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। चारों तरफ गलियां खोद दी, रास्ते बंद कर दिए, लोग परेशान हैं कि एकदम से ये क्या हुआ। ये हम भी देख रहे हैं, चीज नोटिस हम भी कर रहे हैं। हाँ नहीं तो आप चाहे कमलानगर में चले जाओ, शक्तिनगर में चले जाओ, तो मैंने काफ़ी पूछा भी लोगों से, उनसे डिपार्टमेंट के लोगों से, कह रहे जी हमें ऑर्डर है कि मतलब वर्क ऑर्डर हमारा हो चुका है, तो काम हमें एकदम स्टार्ट करना था, आचार संहिता लग जाएगी, इसके बाद हम जो है ना काम शुरू नहीं कर सकते, केवल दिखावे मात्र के लिए ये काम पूरी विधानसभा में हमारे जो विधायक हैं उन्होंने ये काम शुरू किया है सबसे ज़्यादा। बाकी तो जो काम आप पब्लिक में गए होंगे आपको पता ही है, मैं काफ़ी जोर देने के बाद भी ये समझ नहीं पा रहा कि कौन सी उपलब्धि उसकी दिखाऊं, सिवाय लोगों को परेशान करने के, क्योंकि ज़्यादातर पानी का सीवर का ही मैटर होता है उनके पास, और डेवलपमेंट में जो है रोड्स वगैरह का गलियों का, मैंने काफ़ी कोऑपरेट किया उनको, एक निगम पार्षद होने के नाते मैंने काफ़ी कहा कि मैं अपने क्षेत्र में आपको इन्वाइट करता हूँ, आप आके काम करें, मैं पूरा सहयोग करूँगा। उसके बाद भी लोगों को लॉलीपॉप देता रहा, हाँ जी मैं करा दूंगा, आप चिंता मत करो, जितना मर्जी फंड लो, तो उस नाते उसने लास्ट मोमेंट पे आके जो है ना एकदम से बवंडर खड़ा कर दिया। इससे पहले 4.5 साल कुछ नहीं किया, लोग कह कह के थक गए, लेकिन उसके कान पे जू नहीं रंगी। ये विकास है पूरी विधानसभा में। और आज हमारे साथ मौजूद है मॉडल टाउन विधानसभा से अखिलेश त्रिपाठी जी, और आज हम इनसे बात करेंगे कि इन पाँच सालों में इन्होंने अपने क्षेत्र में कितना किया है विकास। चलिए बात करते हैं। सर नमस्कार।
जी नमस्कार, बताइए सर, आप बताइए, आप 5 सालों में आपने अपने क्षेत्र में अभी तक कितना विकास किया है? देखिए, पिछले 5 साल में दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पूरी दिल्ली का शिक्षा व्यवस्था का हाल जो पहले बदहाल था, अब उनके नेतृत्व में आज शिक्षा पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया का मॉडल दिल्ली का बन करके उभरा हुआ है जी। हेल्थ के क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक, जिस तरीके से दवाइयां मिल रही हैं, लोगों को टेस्ट फ्री हो रहे हैं, हर तरह के ऑपरेशन फ्री हो रहे हैं, वो एक पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल होकर के सामने आया है। और पानी और बिजली, इसके क्षेत्र में बहुत ही करिश्माई काम हुआ। तो साथ साथ में मॉल्टन विधानसभा में एक अभिन्न सहयोगी के रूप में माननीय अरविंद केजरीवाल जी के जो भी काम जनता ने दिया जी, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, उनकी आकांक्षाओं को, उनके विश्वास को पूरा करने के लिए हमेशा एक दृढ़ निश्चयी सैनिक की तरह उनके लिए खड़ा रहा हूँ। और आज इस बात को जनता, मॉल्टन विधानसभा की एक जनता कहती है और मानती है कि बहुत ही कर्मठी व्यक्ति है। और मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आपने पीछे अपना विश्वास दिया था, और आप सबको आज पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने उस विश्वास को कायम रखने के लिए जो जो काम कहे उसमें आपने सहयोग भी किया, जिसकी बदौलत मैं काम कर पाया। तो मैं मानता हूँ कि, और अपील भी करता हूँ कि जिस तरीके से पिछले 5 साल कठोर परिश्रम और ईमानदार मेहनत की बदौलत आपका सब काम पूरा कर पाए हूँ, आगे भी आप विश्वास करेंगे। सर, जनता से आपने जो वायदे किए वो कहीं ना कहीं पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। अब दोबारा आप अपनी सीट लेते हैं तो आप कौन कौन से ऐसे विकास कार्य लेकर चलेंगे जनता के लिए? नहीं, मुझे अपने क्षेत्र में एक आलीशान हॉस्पिटल बनाना है जी, जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है अपने क्षेत्र के लिए। पिछले साल में हमने एक जमीन 11,730 स्क्वायर फीट जमीन हमने DDA से खरीदी जी, उसके लिए पेमेंट किया, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि सेंटर से जिस तरीके का सहयोग मिलना चाहिए था, DDA से जिस तरीके का सहयोग मिलना चाहिए था, DDA ने पैसे लेने के बावजूद जी, अभी तक उस जमीन का पजेशन दिल्ली सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट और PWD विभाग को नहीं दिया, जिसकी वजह से वहाँ हम काम नहीं शुरू कर पाए। उम्मीद करता हूँ कि, और अपील भी करता हूँ कि दिल्ली सरकार बहुत काम करना चाहती है दिल्ली के लोगों के वेलफेयर के लिए। आज हमने मॉल्टन विधानसभा का दौरा किया, यहाँ के MLA हैं कि काउंसलर से जानी उनकी राय और इन 5 सालों में उन्होंने अपने क्षेत्र में कितना विकास किया है, पर यहाँ के स्थानीय जनता से जाना कि कौन सी सरकार ने इनके क्षेत्र में काम किया है और किस पार्टी को वो दोबारा से दिल्ली में लाना चाहती है। कैमरामैन मनीष के साथ दिल्ली जो देश की राजधानी है, दिल्ली जो इतिहास की निशानी है, उस दिल्ली की क्या है कहानी, सुनाएंगे दिल्ली की जुबानी 5 साल दिल्ली का हाल, सिर्फ AB Star News पर।